वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज एक बेहतर सेगमेंट लेकर के आपके सामने मैं हूं और ये सेगमेंट है कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस का। तीन इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस आपके सामने हैं, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर। इन पर बेशक हमेशा क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। आज इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं ये हम सीखेंगे। आप पहले ये समझ लें कि इन पर बेस्ड दो पैटर्न्स पर क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। पहला पैटर्न देखते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न आपका आपके सामने है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फ्रेंड्स इज गोइंग। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि कभी भी अगर आइदर डॉट डॉट आर है या नाइदर डॉट डॉट नार है या नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो है, इन तीनों के साथ हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। किसके अनुसार? हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, चाहे वो आइदर डॉट डॉट और हो, चाहे वो नाइदर डॉट डॉट नॉर हो, चाहे वो नॉट ओनली बट आल्सो हो। तो अगर यहां पे नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फ्रेंड्स हैं तो किसके अनुसार चलेंगे हम? हिज फ्रेंड्स के अनुसार। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर ये कॉन्सेप्ट आपका कि अगर नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो है, आइदर डॉट डॉट और है, नाइदर डॉट डॉट नॉर है, तो हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब एडजेक्टिव या प्रोनाउंस का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे अब ये सेंटेंस कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस देख लें, आइदर द बॉय आर हिज फ्रेंड। क्या है बच्चों? हिज फ्रेंड सिंगुलर है ना, तो इज यहां क्या है आपका? अब सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी इस वाक्य में कोई एरर नहीं है। क्या हमने देखा? पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब लेनी है। अगर नाइदर डॉट डॉट नॉर है, आइदर डॉट डॉट और है या नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो है, ठीक है। यानी आइदर द बॉय आर हिज फ्रेंड, हमको पास वाले के अनुसार चलना है, तो यहां पे इज क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। नॉट ओनली पेरेंट्स बट आल्सो द सन आर गोइंग। क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है, करेक्ट हो सकता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमको पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेने हैं। तो पास में क्या हमारे हैं? द सन के पास वर्ब है ना, है ना, और द सन क्या है? सिंगुलर है, तो यहां पे आर न होकर के इज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका सारे बच्चों का आज के बाद कि अगर नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो लिया, आइदर डॉट डॉट और लिया, नाइदर डॉट डॉट नॉर लिया, तो हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब वगैरह का प्रयोग करना है। दूसरा पैटर्न क्या होता है जो हमारे एग्जाम में दिया जाता है? वो उनका प्लेस होता है। नॉट ओनली का प्लेस कहां होना चाहिए, नाइदर का प्लेस कहां होना चाहिए, आइदर का प्लेस कहां होना चाहिए, ये पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो भी देखते हैं बच्चों, और आज इनका पूरी तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे नॉट ओनली ही इज गोइंग बट आल्सो रीडिंग। अब आप देख रहे होंगे आपके पास दो सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, आपके पास सब्जेक्ट केवल क्या है? एक है, लेकिन वर्ब क्या है? दो है, इज गोइंग और रीडिंग। जब भी आपके पास दो वर्ब्स हो, दो ऑब्जेक्ट्स हो, दो एडवर्ब्स हो, तो तुरंत समझ जाएं कि जो नॉट ओनली है या आइदर है या नाइदर है, ये हमेशा उन्हीं के पहले रहेंगे, वाक्य के आरंभ में नहीं रहेंगे। वाक्य के आरंभ में तभी रहेंगे जब ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो। अगर ये दो वर्ब्स को जोड़ रहे हो, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हो, दो एडवर्ब्स को जोड़ रहे हो, तो उनके पहले रखें। तो यहां हमारे पास क्या है? इज गोइंग है और रीडिंग है, दो है ना। यानी एग्जाम में समझ जाएं कि ए पोर्शन में क्या है आपकी एरर है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको यह देखना है कि बट आल्सो के बाद वर्ब है तो नॉट ओनली भी किसके पहले रहेगा? वर्ब के पहले। तो नॉट ओनली कहां होना चाहिए था? यहां वर्ब के पहले होना चाहिए था।
तो वाक्य क्या होना चाहिए था? ही इज नॉट ओनली गोइंग बट ऑल्सो रीडिंग। अगर आपने इसे कम समझा हो तो एक और सेंटेंस के थ्रू इसे समझते हैं। पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं, आइदर दे कॉल्ड मी और इग्नोर्ड मी। यहां भी आपके पास दो सब्जेक्ट्स नहीं है, क्या है? दो वर्ब्स हैं, कॉल्ड और इग्नोर्ड। जबकि आपने आइदर का प्रयोग वाक्य के आरंभ में कर लिया है, यानी ये प्लेस गलत है, ए पोर्शन में एरर माना जाएगा। अगर आप इसे सही करना चाहते हैं तो आप इस आइदर को वर्ब के पहले लीजिए, तो कहां जाएगा ये आइदर? यहां आ जाएगा, दे आइदर कॉल्ड मी आर इग्नोर्ड मी। अगर अभी भी आपने कम समझा हो तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल, नाइदर द टीचर इज टीचिंग नॉर गोइंग। अभी भी हमारे पास दो सब्जेक्ट्स नहीं है, दो वर्ब्स हैं, एक में टीचिंग है और एक में गोइंग है। जबकि हमने नाइदर को कहां लिया है? वाक्य के आरंभ में, सब्जेक्ट से पहले। जबकि होना कहां चाहिए था इन्हें? वर्ब के पहले। तो इस नाइदर को यहां से उठाएं और कहां ले आए? इस टीचिंग से पहले ले आए, तो वाक्य क्या हो जाएगा? द टीचर इज नाइदर टीचिंग नॉर गोइंग। एक और तरीका है बच्चों, अगर आप इस वाक्य को बेहतर और बेहतर करना चाहते हैं ना, तो आप इन्वर्जन के रूल के द्वारा भी इसे बना सकते हैं। इस नाइदर को यहीं पर रहने दीजिए आप, ठीक है? इस नाइदर को यहीं पर रहने दीजिए और केवल हेल्पिंग वर्ब को नाइदर के बाद ले लीजिए, यहां। ऐसे भी कर सकते हैं आप, तब क्या हो जाएगा? नाइदर इज द टीचर टीचिंग नॉर गोइंग हो जाएगा, ठीक है? ये वाक्य भी आप बना सकते हैं। अब पांचवा, यहां भी आइदर दे कॉल्ड मी आर इग्नोर्ड मी है, दो वर्ब्स आपके पास है ना, तो आप चाहें तो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बना सकते हैं। ये कौन सा टेंस आपका है? पास्ट इंडेफिनिट, तो आइदर के बाद क्या ले लीजिए आप? डिड ले लेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे तो सही हो जाएगा। अगर ये मन में, अक्सर फिर गलत किस में होगा, इनकरेक्ट किसको मानेंगे? प्लेस को। इसका प्लेस गलत है ना, इसलिए ए पोर्शन को क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। तो आज के बाद दो चीज ध्यान रखिएगा, अगर नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग है, नाइदर डॉट डॉट नॉर का प्रयोग है, आइदर डॉट डॉट आर का प्रयोग है, तो इनके साथ पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लीजिएगा? वर्ब लीजिएगा। और दूसरा, अगर दो सब्जेक्ट न हो, दो वर्ब्स हो, दो ऑब्जेक्ट्स हो, दो एडवर्ब्स हो, तो इन्हें कभी भी वाक्य के आरंभ में नहीं रखिएगा। आप इन्हें उन वर्ब्स के पहले या ऑब्जेक्ट्स के पहले या आप एडवर्ब्स के पहले लीजिएगा। जाते जाते मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप शायद समझ जाएं। आइदर शी इज गोइंग आर कमिंग। इस वाक्य को देखें और सोचें कि क्या यह वाक्य सही है? नहीं है। हमारे पास दो सब्जेक्ट्स तो है नहीं कि आपने आइदर को पहले रखा है, हमारे पास क्या है? दो वर्ब्स हैं, तो आइदर का प्लेस जो है ना, वो वर्ब के पहले आएगा। ये जो आइदर है ये यहां आ जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी इज आइदर गोइंग आर कमिंग। अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इसी वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, इज को यहां रख दें, हो जाएगा ना, आइदर इज शी गोइंग आर कमिंग, कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल जो दूसरे पैटर्न था वो भी देख लें, आइदर दे आर आई आर गोइंग। देख लें क्या ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमको किसके अनुसार चलना है? पास वाले के अनुसार। तो आई के पास क्या है? आर है, तो क्या आई के अनुसार आर आएगा? कभी नहीं, यहां क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, ठीक है। इन दो वाक्यों के थ्रू शायद आपने बेहतर समझा होगा। तो नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, आइदर डॉट डॉट आर और नाइदर डॉट डॉट नॉर, इनके कॉन्सेप्ट को आप जरूर समझिएगा इस वीडियो के थ्रू, तो आपका एक क्वेश्चन जो इन पर दिया जाता है वो आराम से आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक बच्चों। अगले सेगमेंट्स में कुछ और बेहतर कंजंक्शंस के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।
हमेशा खुश रहें बच्चों।